अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों क्या हाल है दोस्तों, मेरे पास नोकिया का एक मोबाइल आया हुआ है, नोकिया 106, जिसकी टाइप है TA1114। मैं आपको जूम करके चेक करवाता हूँ। TA1114 TA1114। इसका मसला ये है कि इसके तकरीबन 4 के 5 बटन काम नहीं कर रहे, 4 बटन मेरे ख्याल में काम नहीं कर रहे। मैं आपको चेक करवाता हूँ कौन कौन से बटन काम नहीं कर रहे। मेन्यू वाला बटन काम कर रहा है, अप डाउन लेफ्ट राइट ये बटन सारे काम कर रहे हैं, बैक भी, गो टू भी काम कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0# ये *0# ये देखिए ये काम नहीं कर रहा, और कॉल ओके वाला बटन भी काम नहीं कर रहा। इसे खोल के चेक करते हैं। मोबाइल मैंने ओपन कर लिया है, इस पर शायद पहले भी कोई काम करता रहा है। मैं आपको जूम करके चेक करवा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पूरा पूरा एरिया स्क्रैच हुआ पड़ा है, यहाँ पहले भी कोई काम करता रहा है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल वाज़े आपको काम नज़र आ रहा है, कोई पहले भी यहाँ इस मोबाइल पे काम करता रहा है। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये *0# और कॉल ओके वाला जो बटन है, इनके इनर पॉइंट ब्रेक हैं या आउटर पॉइंट ब्रेक हैं। चेक करेंगे किस पॉइंट पर पल्स आ रही है, किस पॉइंट पर नहीं आ रही, आउटर पे भी और इनर पे भी। ये देखें, आउटर पॉइंट पर रीडिंग पल्स आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी पल्स आ रही है, और इस पॉइंट पर भी पल्स आ रही है स्टार, और इसके जो इनर पॉइंट हैं उन पर कोई पल्स नहीं है। ये ब्रेक है, ये देखें यहाँ पर भी कोई रीडिंग पल्स नहीं है, यहाँ पर भी कोई पल्स नहीं है, और यहाँ पर भी। ये आपस में चेक करते हैं, ये आपस में शॉर्ट हैं, ये बिल्कुल आपस में शॉर्ट है। ये देखें, अब यहाँ से मदरबोर्ड की बाइक साइड बैक साइड पे हम चेक करेंगे कि इनका लिंक कहाँ तक जा रहा है। ये देखें, ये कॉल ओके वाला बटन है, उसके बिल्कुल बैक साइड पे एक पॉइंट ठहरा हुआ है, उस पर इसकी इसका पॉइंट जा रहा है। जहाँ तक इसका पॉइंट ठहरा हुआ है, अब हम एक जंप लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारा मसला हल हो गया या नहीं। मैं फिर से आपको चेक करवा रहा हूँ कि किस पॉइंट पर इसका लिंक जा रहा है। मैं आपको जूम करके भी चेक करवा देता हूँ। ये इस पॉइंट पर आ रहे हैं, इस पॉइंट पर *0# और कॉल ओके वाले के इनर पॉइंट का जो लिंक है वो इस पॉइंट पर आ रहा है, और ब्रेक भी यही है।
जो बंदा पहले काम करता रहा है, जिसने स्क्रैच किया था, उसके साथ बिल्कुल एक पैंट ठहरा हुआ है। हम वहाँ से जंप उठाकर इस पैंट पर लगाएंगे। जंप लगाने के बाद मैं आपको चेक करवा दूंगा कि बटन काम कर रहे हैं या नहीं। अब सब भाइयों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। जंप लगाने के बाद मैं आपको जूम करके चेक करवा दूंगा कि हमारा मसला हल हो गया है या नहीं। देखिए जंप लग गया है। मैं आपको मज़ीद इसे जूम करके वाज़ह करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल वाज़े वाज़े नज़र आ रहा है। मैंने जंप कहाँ से लेकर कहाँ तक लगाया है आपको बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। अब हम चेक करेंगे कि जो कॉल ओके वाला बटन है, स्टार ज़ीरो हैश, जो इसके इनर पॉइंट हैं, उन पर पल्स आ गई या नहीं आई। ये देखें, कॉल ओके वाले बटन पर पल्स आ गई है, स्टार पे भी पल्स आ गई है, ज़ीरो और हैश, ये सारे पॉइंट पर पल्स आ गई है। अब मोबाइल को ऑन करके आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि हमारा मसला हल हो गया या नहीं हुआ। मोबाइल ऑन हो गया है, तो अब चेक करते हैं कि हमारा मसला हल हो गया या नहीं हुआ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, स्टार, ज़ीरो, हैश। देखें हमारा मसला हल हो गया है। आप सब भाइयों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शुक्रिया। ये देखें मेन्यू, अप डाउन लेफ़्ट राइट बैक की गो टू, ये सारे बटन काम कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रिया।